नोएडा जैसी हाईटेक सिटी जहां पर बड़े पुल और बड़ी सड़कें चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, वहीं नोएडा के एक गांव में मैं भी मौजूद हूं सेक्टर 63 में। यहां पर लोग मूलभूत जो समस्याएं हैं उससे अभी तक जूझ रहे हैं। देख रहे हैं आप कि किस तरीके से इसी पतली सड़क के माध्यम से लोग आना जाना करते हैं और लोग इसी के माध्यम से अपने वाहन भी और अपनी गाड़ियाँ भी लेकर निकलते हैं। लेकिन ये जो पतली सड़कें हैं ये किसी दिन बहुत ही बड़े दुर्घटना का कारण हो सकता है। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है इसमें घनी आबादी रहती है। घनी आबादी रहने में जो लोग रहने वाले लोग हैं यहाँ के, वो लोग यहाँ से अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए जाते हैं और किसी दिन भी यहाँ पर अगर बड़ी घटना होती है, आगजनी की घटना होती है, भूकंप की कोई घटना होती है या कोई और प्राकृतिक आपदा आती है तो शायद यहाँ से भागना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। दिक्कत तो इसमें काफ़ी है, निकलने में ही पहले तो परेशानी है और अगर आग लग जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो यहाँ पे तो कोई आदमी बचने वाले नहीं। किसी मकान में अगर जो आग लग जाती है गली के अंदर तो ऐसा कोई वो ही नहीं है रास्ता जहाँ से कि फायर ब्रिगेड की जो अग्निशमन की जो गाड़ियाँ हैं वो आ जाएं, वो आके बुझा दें। वो तो अलग बात रही, बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सके। ये बिजली के उसमें ये देखो पतली पतली गलियां हैं, बिजली के तार टूट जाते हैं, रास्ते में गिर जाते हैं, बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचती है। बुझाने के लिए क्या सुन आदमी कोई ना कोई सुविधा देखता है, या तो भागेगा या तो कुछ ना कुछ सुविधा ही देखेगा। बारिश होती है तो बिल्कुल पानी यहाँ तक यहाँ तक आ जा, ये रोड भर जाते हैं पानी से, बिल्कुल आदमी को निकलने की जगह ना रहती, ईंट गिरनी पड़े लोगों ने चलने को और बहुत बुरा मामला बन जा। हेलो, सुबह तो इतनी गंदगी होती है बहुत ज़्यादा, सफाई कभी कर दी कभी नहीं हुई, हो पाती है नहीं हो पाती है यही है। और आग लगने की भी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, लाइटें भी नहीं रहती हैं, देखो इधर ये भी नहीं जलती है, आगे भी लाइट नहीं जलती हैं, यहाँ तो बहुत बड़ी स्थिति हो जाएगी, हाँ निकला ही नहीं जाएगा यहाँ से, इसलिए अथॉरिटी कुछ ना कुछ यहाँ पे करे। बारिश में क्या स्थिति होती है यहाँ पे? बारिश में तो बहुत पानी भर जाता है भैया, यहाँ तक पानी आ जाता है, वहाँ से यहाँ तक पानी आता है, यहाँ बिल्कुल पानी आ जाता है, घरों में पानी चला जाता है, बहुत बुरा हाल है। बीमारियाँ चलती हैं, बरसात आती है तो इतनी बीमारियाँ हो जाती हैं गंदगी की वजह से। ये गौतम बुद्ध नगर में आप जानते हैं जैसे कि ये बहुत ही नगरीय क्षेत्र में आता है, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र भी है और ग्रामीण क्षेत्र की घनी आबादी भी है। और हमारे जो अभी विगत घटनाओं में उसमें जो है गाड़ियाँ पहुँचने में दिक्कतें भी हुई हैं हमारी। देखिए बड़ी गाड़ियाँ हैं, फायर टेंडर हैं, फोम टेंडर हैं 2500 लीटर के 4500 लीटर के, लेकिन हमारे पास अभी हाई प्रेशर गाड़ियों का यहाँ पे अभाव है जो कि सक्रिय गलियों में पहुँच सकते हैं, बाइक का अभाव है जो कि सक्रिय गलियों में पहुँच सकते हैं। उसके दृष्टिगत रखते हुए हमारी पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस महोदय ने हम लोग को दिशा निर्देश दिए थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सघन अभियान चलाकर और वहाँ पे लोगों को जो है उनको जागरूक किया जाए। तो उन्होंने उनके अभियान के अंतर्गत हमने विगत तीन दिनों से हम लगातार अभियान चल रहा है और आप फोटोज़ और वीडियोज़ भी देखेंगे उसमें, उसके अंतर्गत हम लोगों ने करीब करीब 40 ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे FSO हम लोग खुद पहुंच के और सघन अभियान चलाया है। करीब करीब 4,000 से 5,000 लोगों को ट्रेन किया है, वेल ट्रेन किया है, उनको गैस सिलेंडर का आग लगा के बुझा के दिखाया है, कैसे आग से बचाव किया जाए वो बताया है, किस नंबर पर फ़ोन किया जाए, उनके पास इसका अभाव है कि किस नंबर पर फ़ोन किया जाए। आपके माध्यम से भी मैं ये सूचित करना चाहूँगा कि 112 पर्याप्त है, उस पर हर तरह की जो है सुविधाएं मौजूद हैं, आप 112 पे आप फ़ोन करेंगे तो हमारी गाड़ियां भी पहुंचेंगी और मैं आपके द्वारा उनको भी जागरूक करने के लिए वो करूंगा कि जो आग लगने पे घबराएं नहीं और तुरंत हम लोग को सूचित करें। हम कोशिश करेंगे यथासंभव जहां सक्रिय गलियाँ हैं वहां पे भी हमारी गाड़ी दूर खड़ी करके और हमारे आदमी फायरिंग स्पेशल के साथ पहुँचे। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।